हेलो दोस्तों, मैं मीनाक्षी, मीनाक्षी नेचर लाइफ में आप सभी का स्वागत है। कहिए कैसे हैं आप सब। दोस्तों, यू रिमेम्बर थोड़े टाइम पहले लास्ट मंथ मैंने यहाँ का एक पिक रखा था सर के साथ, तो बहुत सारे मेरे व्यूवर्स थे। उन्होंने मुझे पूछा कि मैम ये कहाँ का सीन है और आप हमें बताइए। तो दोस्तों, ये है माँ भामरीचे का टेंपल। मैं आपको पूरा डिटेल्स यहाँ का बताऊँगी, पूरी हिस्ट्री आपको बताऊँगी, तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, ये टेंपल आया है दाहोद जिले के सिंगवड़ तहसील में आया गांव है रंधिकपुर। कबूतरी रिवर जो आपको ये सामने दिख रही है, कबूतरी रिवर के बीच में ये माँ भामरीचे का टेंपल आया हुआ है। दोस्तों, यहाँ के हिस्ट्री के बारे में भी मुझे इतना कुछ पता नहीं था, पर हमारे एक फैमिली फ्रेंड है डॉक्टर नीलेश बामनिया, बिल्कुल दोस्तों, और वो सर प्रैक्टिस भी यहीं रंधिकपुर में करते हैं। तो मेरे सिर्फ एक कॉल करने से सर ने पूरा यहाँ का हिस्ट्री मुझे लिख के दे दिया। तो वंस अगेन थैंक यू डॉक्टर। तो चलिए दोस्तों, हम आपको मंदिर में ही लेके चलते हैं। दोस्तों, ये जो माँ की मूर्ति है, माँ भामरीचे की, वो स्वयंभू है और उत्तराभिमुख है। अभी ऑलरेडी इवनिंग का टाइम है, तो माँ का दर्शन इतना अच्छा आपको नहीं हो पाएगा, कोशिश कर रही हूँ मैं। दोस्तों, लकीली हम बहुत लकी हैं कि अभी बारिश भी हो रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों, यहाँ का हिस्ट्री ये है कि यहाँ की जो ट्राइबल जनता है, वो उनकी कुल देवी है माँ भामरीचे। पहले के ज़माने में यहाँ पे लोग बोलते हैं कि पशु बलि दी जाती थी, पर अभी सिर्फ पूजा अर्चना की जाती है विधि विधान से। यह माता का गुफा है और लोग कहते हैं कि ये जो गुफा है, यहाँ से पूरा पावागढ़ तक ये माँ की गुफा जाती है। और लोगों का कहना है कि कभी कभी माँ के झांझर की आवाज़ भी सुनाई देती है। तो माँ भामरीचे का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। मधु और केतकर नाम का जो दानव को मारने के लिए माँ अध्याशक्ति ने भामरी का स्वरूप धारण किया और ये दोनों का वध किया। तो दोस्तों, अगर मैं जो सर ने बोला है वैसे ही अगर पूरा वीडियो में बनाने के लिए जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं थोड़े थोड़े ही टॉपिक यहाँ पे शामिल कर रही हूँ। फिर से एक बार दर्शन कीजिए माँ भामरीचे का। जय माता जी, कृपा करना माँ।
सीढ़ी चढ़ के अगर आप आगे जाओगे तो रत्नेश्वर महादेव का मंदिर आता है। तो यहाँ का सौंदर्य अद्भुत है। दोस्तों बारिश बहुत हो रही है और शायद तो मेरा आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगा। बहुत अद्भुत सौंदर्य है। अगर यहाँ आने का अगर आप प्लान बना रहे हैं तो दोस्तों आप एक बार विजिट जरूर कीजिए। चारों ओर हरियाली है और पहाड़ों के बीच में, दो पहाड़ों के बीच में ये टेंपल आया है। बारिश है तो मेरा आवाज़ आपको थोड़ा सुनाई नहीं देगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस भी रहेगा दोस्तों। दोस्तों एक बार जरूर आप यहाँ का टेंपल का भी देख लीजिए। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पे केक वगैरह रखते हैं। तो दोस्तों आज का ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।